हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी सो वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड हम हैं चैप्टर ट्वेंटी में एंड वी आर डिस्कसिंग द मुगल एम्पायर सो अब तक हम बहुत सी पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ चुके हैं औरंगजेब बचा है लास्ट रूलर 1658 से 1707 तक इनका जो है राज चला हमने देखा कैसे वॉर ऑफ सक्सेशन के थ्रू भाइयों को हटा के पिताजी को भेज के इन्होंने कैसे अपना जो रूल किया फिर हम समझेंगे कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर और इसी सेशन में समझेंगे औरंगज़ेब से शुरुआत करते हैं यह है इमेज औरंगज़ेब की ही वन वन ऑफ द एबलेस्ट ऑफ़ द मुगल किंग्स ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर ठीक है टाइटल थोड़ा याद रखिएगा आलमगीर का टाइटल औरंगज़ेब का था आलमगीर का मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्करर इनके जो मिलिट्री कैंपेन है पहले दस साल में बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे और फिर लाइक ही ऑल्सो सर पास द माइनर रिवॉर्ट्स बट ही फेस सीरियस डिफिकल्टीज इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस टाइम लास्ट लास्ट में बहुत डिफिकल्टी आ गई थी इनके टाइम पे जो जाट थे सत थे एंड सिख थे वो भी इनके खिलाफ जो है रिवॉल्व करने लगे थे फिर जब रिवॉल्ट को इन्होंने कैसे इंड्यूस किया हार्श रिलीजियस पॉलिसी हैं तो औरंगजेब जब भी आप नाम सुनते होंगे एक एक वर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है दैट इज़ हिज हार्श रिलीजियस पॉलिसीस है ना तो वो भी आप देखोगे कैसे पहले हम डेक्कन पॉलिसी समझते हैं सो so, जब डेक जो डेक्कन पॉलिसी है मुग़ल की दैट स्टार्टेड फ्रॉम द राइन ऑफ अकबर अकबर ने शुरू किया था डेक्कन के ऊपर लाइक like, नज़र रखना और फिर जब ही हु कॉन्ट द खानदेशन बेरार ऑल्सो जहांगीर ने मलिक अम्बेर के खिलाफ लड़ा था अहमद नगर में है ना अब ड्यूरिंग द शाहजहान शराइन औरंगज़ेब को डेक्कन का गवर्नर रखा था हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में और यहाँ पे इन्होंने ना काफ़ी अग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई थी जब इनको मगल एम्पर बना दिया गया यानी कि पूरा मुगल एम्पर बना दिया बना दिया गया मतलब फर्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो है कॉन्सेंट्रेट किया उस पर फोकस किया ठीक है अब मराठा रूलर के टाइम पे शिवाजी क्रेवड आउट एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम इन द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोंकन रीजन तो आपके भारत के वाले पार्ट में महराठा किंगडम भी रोज हो चुका था शिवाजी के अंदर है ना नाउ टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ दीज मराठाज औरंगजेब ने डिसाइड किया कि अब बीजापुर और गोलकोंडा पे क्या करेगा इन्वेट करेगा फिर इसने जो सिकंदर शाह था बीजापुर का उसको डिफीट किया और बीजापुर भी ले लिया अपने अंदर फिर उसके बाद देन ही प्रोसीड अगेंस्ट द तो गोलकोंडा गोलकोंडा भी गया और फिर वहाँ पे कतब शाही डायनेस्टी को भी एलिमिनेट कर दिया और वो भी उसने अपने अंदर एनेक्स कर लिया सो इन फैक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेक्कन किंगडम्स वॉज द पोलिटिकल ब्लैंडर ऑन द पार्ट ऑफ द औरंग औरंगजेब यू विल सी हाउ बट दिस इज़ द औरंगजेब एम्पायर ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं किस तरह से इनका एम्पायर था नाउ बैरियर बिटवीन मुगल्स एंड मराठास वॉज रिमूवड एंड एन सी यू डायरेक्ट कॉन्सन्ट्रेशन विट बीन दैम अब कोई बैरियर नहीं था अब डायरेक्ट कॉन्सन्ट्रेशन कर सकते थे ऑल्सो इनके जो डेक्कन कैंपेन्स थे एग्जॉस्टेड द मुगल ट्रीटी एंड अकॉर्डिंग टू जे एंड सरकर द डेक्कन पॉलिसी रू इंड औरंगजेब डैट वॉज द रीजन फॉर हिज डिफीट नाओ रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी ही वॉज अ स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम इन पर्सनल लाइफ हिज आइडियल्स वॉज टू ट्रांसफॉम इंडिया इंटू इस्लामिक स्टेट तो ये क्या करना चाहता था एक इस्लामिक स्टेट इंडिया को बनाना चाहता था ही वॉजोड ऑर्थोडॉक्सड मुस्लिम इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया था है ना जो कि मॉरल कोड्स को एनफोर्स करेगा और इट वॉज़ अंडर द वेरी हाई पावर्ड ऑफिसर्स जिसका नाम होता था मुश्तिब ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड थी इनके कार्यकाल के अंदर कल्टिवेशन एंड यूज़ ऑफ़ भांग एंड अदर ड्रग्स ये भी बैन करके रखे हुए थे इन्होंने अपने म्यूज़िक में अपने कोर्ट में म्यूज़िक फॉर्बिट करके रखी हुई थी इन्होंने जो आपका जारो खरदान शान का जो प्रैक्टिस है वो भी डिसकंटिन्यू कर दी थी इन्होंने जो आपके दशराह और रॉयल एस्ट्रोनर्स हैं एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको भी अपनी सर्विसेज से निकाल दिया था इनिशियल ईयर्स में इन्होंने तो हिंदू टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन भी रोक दिया था चाहे जो ओल्ड टेम्पल्स रिपेयर हो रहे थे ना उसको भी रोक दिया था फिर उन्होंने शुरुआत कर दी हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की एंड यू नो द सेलिब्रेटेड टेम्पल्स एंड मधुरा बनारस दे वर रिड्यूस टू रेंस एंड 1679 में उन्होंने जजिया फिर से इम्पोज कर दिया पिलग्रेज टैक्स फिर से इम्पोज कर दिया सो so, ऐसा नहीं है कि ये जो मुस्लिम सेक्ट्स हैं उनके दूसरे मुस्लिम सेक्ट्स हैं उनके लिए टॉलरेंट था नो no. दूसरे रिलीजन के साथ तो इंटॉलरेंट था ही था एट द सेम टाइम जो दूसरे मुस्लिम सेक्ट्स थे उनके लिए भी इंटॉलरेंट था मुहर्रम वगैरह का सेलिब्रेशन स्टॉप कर दिया था इनके जो इन्वेजन्स थे डेक सल्टनेट के तरफ दे व पार्शली ड्यू टू दूवर्ड्स हिज हेटरेड टूअर्ड द शिया फेथ सो ही वॉज ओनली दैट इज़ वाई वाई वी आर सेग दैट ही इज ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव एंड टॉलोरेट द अदर पार्ट ऑफ द मुस्लिम रिलीजन एज वेल ओके ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द शिक्स ही एग्जीक्यूटेड नाइंथ शिख गुरु तेज बहादुर which was a very below during that time है ना फिर उसके बाद ही दिस हैज़ रिलल्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख इं टू द वॉरिंग कम्युनिटी इसी वजह से जो सिक्स हैं वो एक वारिंग कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म हो गए देखिए हमने जब सिख जब हम रिलीजन पढ़ रहे थे तो हमने ये समझा था कि वो रिलीजन जो है दैट वॉज बेसिकली ऑन द लव एंड डिवोशन इस तरह से वो इमर्ज हुआ लेकिन जो वॉरिंग कम्यूटिटी में ये ट्रांसफॉर्म हुआ इस वजह से हुआ था क्योंकि ही एग्जीक्यूटेड द नाइन सिख गुरु तेज बहादुर इनकी जो रिलीज पॉलिसी थी दैट वॉज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग राजपूत मराठा सिख इन टू द एनिमीज ऑफ द मुग़ल एम्पायर अकबर जितना काम करके गया था इन्होंने उतना ही काम बिगाड़ा था मुगल एम्पायर के लिए है ना इसकी वजह से ये जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के ग्रुप्स थे वो इनके रेपेलियन बन गए जो थे मथुरा के सतनामीज मेवाड़ के ये सब इनके रेपेलियन बन गए दैफो औरंगजेब जेब वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर ओके नाउ टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर अपनी प्राइवेट लाइफ पे ही वॉज़ इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन बहुत ही सिंपल फूड ड्रेसेस पहना करता था ही अर्न मनी फॉर इज पर्सनल एक्सपेंसिस एंड बाय कापिंग कुरान बाय सेलिंग हिज दोज कॉपीज़ वाइन वगैरह नहीं पीता था ऑफकोर्स ड्रिंकिंग प्रोहबिट करके रखी थी तो खुद कैसे पी सकता है ही लर्न एंड एंड प्रोफिशेंट इन अर्बन एंड पर्शियन लैंग्वेज ही वॉज अ लवर ऑफ़ बुक इन्होंने अपने आप को डिलीजन की तरफ जो है डिवोट करके रखा था पाँच बार प्रेयर्स पढ़ता था एंड रमज़ान फास्टिंग ऑब्जर्व किया करता था वेरी स्ट्रिक्टली इन द पोलिटिकल फीड औरंगजेब कमटेड सीरियस मिस्टेक्स एज वी कैन सी एंड वी हैव सीन दैट उन्होंने ट्रू नेचर जो था महाराठा मूवमेंट का वो मिसअरस्टेंड कर दिया एंड इनफैक्ट ही एंटेगनाइज दैम ऑल्सो ही फेल टू सॉल्व द मराठा प्रॉब्लम और वो ओपन सोर की तरह छोड़ दिया इनके जो शियाज डेक्कन की तरफ जो पॉलिसी थी जो शियाज रह रहे थे डेक्कन सल्टनेट में वो भी इनकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सिटी की वजह से हाई यू कैन से जो थी वो ख़राब होती चली गई थी एंड रिलीजियस पॉलिसी तो ऑफकोर्स सक्सेसफुल थे ही नहीं सुन्नी ऑर्थडॉक्स मुस्लिम थे बट हिज मूव टू अप्लाई हिज रिलीजियंस थाट रैपिडली इन द नॉन मुस्लिम सोसाइटी वॉज ऑल्सो द बिग 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 फेलियर इनके जो नॉन मुस्लिम्स की तरफ एंटोगस्ट पॉलिसीस थी उसकी वजह से दैट डिड नॉट हेल्प हिम टू रिलाई ऑन द मुस्लिम्स टू द साइड ऑन द अदर हैंड ही स्टैंडर्ड द पोलिटिकल एनिमीज ऑफ मुगल एम्पायर है ना तो ऐसा तो नहीं था फ्रेंड्स बढ़ाए लेकिन एनिमीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंडन कर दिए थे सो so, यहीं से इनको जब रीज़न बोला जाता है दैट ही इज़ द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट व्हाट ऑल आर द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर सो देखिए औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा था है ना द मुगल कोड बिकेम सीन ऑफ एक्शंस अमंग द नावल्स वीकनेस जो थी वो एक्सपोज कब हुई जब नादिर शाह को इम्प्रिजन दैट ही इम्प्रिजन मुगल एम्पयर और ही लूटेड डेली इन 1739. सो द काज ऑफ द डकलाइन ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज वे राइट टू एन सर्टन एक्सटेंट औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसीज़ थी औरंगजेब की जो रिलीज़स पॉलिसीज थी वो सबसे बड़ा डिक्लाइन का रीज़न बोला जाता है द वीक सक्सेसर्स वर रीजन्स तो पहला रीजन हो गया औरंगजेब एंड हेज रिलीजियस पॉलिसीज एंड डन पॉलिसी सेकेंड वीक सक्सेस ऑफ कोर्स अगर देखो को, अगर वो सही नहीं था उसके सक्सेस सही होते तो शायद डाउनफॉल नहीं हो पाता तो उनके वीक सक्सेस थे दैट वॉज अनादर रीजन फॉर द डिमोरलाइजेशन ऑफ द मुगल आर्मी एंड ऑल्सो देट पे फोर इट द वास्टनेस ऑफ एम्पायर बिकेम अनवाइडली एंड द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ क्योंकि बहुत सारे वॉर्स हो गए थे उसकी वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत अनदर रीज़न ठीक है थर्ड रीज़न वॉज फाइनेंसेस फिर उसके बाद मुगल्स ने सी पावर्स को जो है वो निगलेक्ट किया द निगलेक्ट ऑफ सी पावर बाय द मुगल्स वॉज फेल्ड बन द यूरोपियन बिगे टू सेटल इन इंडिया यही टाइम था जब यूरोपियन आने लगे थे फर्दर नादिर शाह का इन्वेज़न अहमद शाह इब्दाली का जो इन्वेज़न था उसने मुगल स्टेट को जो है डिक्लाइन कर दिया ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इन्वेजन्स बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली तो आप बोल सकते हैं कि आपका अगर हम डिक्लाइन समझना है तो देर आर सेवरल रीजन्स विच वेराइ फ्रॉम द पोलिटिकल टिल द इकोनॉमिक फैक्टर्स तो ये सारे रीजन्स हैं दैट लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द एंटायर मुगल एम्पायर सो दिस इज अबाउट द मुगल एम्पायर ये चैप्टर हो गया यहीं पर आई यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ डिड यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स आलसो यू कैन डाउनलोड दिस प्रिंट यूपीएससी एप टू प्रैक्टिस बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज रिमेर कैंडिडेज जस्ट रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग वीडियोज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड यू प्रैक्टिस हरली सो आईडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड वर्क टू इंप्रू यफॉर्मेंस एंड स्प्रिंट यू पी एस सज़ द परफेक्ट एप टू डूल ऑफ दिस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ इन अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी एस यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिट यू पी एस स लिए परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच